ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में, जहाँ ये बैनर्स देखिए, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दलित इंटरप्राइजेज मैगजीन एंड फर्स्ट दलित जॉब गिवस मीट है। और पहले तो लोगों को देख लीजिए, तमाम ये लोग यहाँ भरे हुए थे। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाहिए, वो लोग मिल रहे थे। और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चंद्रभान प्रसाद जी हैं जो लगातार इनिशिएट करते हैं नए नए आइडियाज़ पर। और ख़ासकर उनकी कोशिश है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज में, और उसमें भी खासकर एससी और एसटी जो अनटचेबल जिनको बना के रखा गया था, उसमें बिजनेस को लेकर कैसे क्यूरियोसिटी उनकी जगाया जाए। तो ये एक दिन का सेमिनार था मैगजीन को लेकर। मैगजीन मेरे हाथ में अगर मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। वो ये देखिए, ये मैगजीन है दलित इंटरप्राइजेस, दलित इन मेरिट एंड माइंड। मैं बार बार कहता हूँ, बहुजन समाज को मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में आना चाहिए। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है, और इंग्लिश की एक मैगजीन है, और ये मंथली आती है, 125 रुपए की है, और आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये क्या है सर? काफी टेबल बुक सर, 12वां अंक का एक साथ सिलेक्शन है। अच्छा, एक साल के पूरा का है ना। तो देखिए, आप अगर चाहें तो इसको ले सकते हैं, ये बिक्री के लिए उपलब्ध है ना जी। दलित इंटरप्राइजेज एक मैगजीन है, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 400 पेज की है। सर, पहले तो नेशनल दर्शक पर आपका स्वागत है। थैंक यू। दलित इंटरप्राइजेज एक साल होने वाला है, कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस है। और दलित समाज के जो उद्यमी हैं, इनको लग रहा है पहली बार कि हम भी समाज में एक रोल मॉडल बन सकते हैं। और लोग जो है बड़े उत्साह से यहाँ पर आए हुए हैं, और इनमें उन्हीं को बुलाया गया है जिनका 5-10 करोड़ का टर्नओवर हो। हम भीड़ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि केवल 100-200 लोग उत्तर प्रदेश के, नॉर्थ इंडिया के, इतने बड़े बन जाएं कि हम दलितों की 14 अप्रैल को एक कार रैली निकाल सकें, जिसमें BMW, मर्सिडीज, RD और डिस्कवरी और जगुआर कार वाले दलित पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बड़ी तेजी के साथ अपनी कार चलाते हुए दिखाई पड़े। देश भर में, मैं एक लोगों से बात करता हूँ, देश भर के एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तो 200 से करीब ज्यादा हैंगर में प्राइवेट जेट हैं, 5-स्टार होटल्स हैं, एक भी बहुजन समाज के पास अभी तक इस देश में नहीं है। yes. आपकी क्या जानकारी है इस पर? किसी के पास प्राइवेट जेट, चार्टर्ड प्लेन नहीं है, एक भी चार्टर्ड प्लेन नहीं है, एक भी चार्टर्ड, एक भी अपना हेलीकॉप्टर नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भारत में 847 अरबपति हैं, तो उसमें दलित भी क्यों नहीं, एक भी दलित नहीं, नॉट ए सिंगल दलित, इवन नॉट एससी एसटी ओबीसी, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन। ओबीसी के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमने रिसर्च किया है, एक भी दलित और आदिवासी 847 की लिस्ट में नहीं है। और भारत में हजारों कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रही हैं, सिर्फ एक दलित कंपनी भावनगर की स्टॉक एक्सचेंज पर पिछले साल आई है शेयर मार्केट में। यस, तो हम ये चाहते हैं, जैसा कि आप हमारे मैगजीन का लोगो देखा होगा आपने, कि दलित भी पूंजीपतियों के क्लब में आए, दलित महिलाओं के पास सोने के इतने गहने हों कि वो बैठ जाए तो अपने आप उठ न पाए, क्योंकि मनोधर्मा में दलित महिलाओं को सोने का गहना पहनना ये मनाही है। कोशिश आप लगातार कर रहे हैं, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी और कॉरपोरेट। बिना कॉरपोरेट के आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते हैं, बिना कॉरपोरेट के आजकल आप कुछ कर सकते। तो क्या रोड मैप है आपका, चूंकि आप मैगजीन के एडिटर भी हैं, आपने देखिए, अगर दलित समाज में अरबपति होते तो कुछ दलित नेता आज जो कहीं और बैठे हैं वहाँ नहीं बैठे होते, हमारे पास होते हैं। पर चूंकि दलित समाज में अरबपति नहीं है, 100 करोड़ 50 करोड़ का चंदा देने वाले लोग नहीं है, इसीलिए नेता दलितों की बात नहीं सुनते, और अरबों रुपए बाकी कंपनियों का हर साल माफ हो जाता है। हम जब कहते हैं दलित को 0% इंटरेस्ट पर लोन दो और ये सब वापस होगा पैसा आपको, तो लोग कहते हैं कि 0% पर कैसे दे सकते हैं। हम तो कहते हैं ब्लैक को अमेरिका में मिलता है 0% पर। इवन बांग्लादेश में यूनुस खान ने ग्रामीण बैंक का एस्टैब्लिश किया और गरीब लोगों को लोन दे। तो लोगों के मानस जो DNA है समाज का, उसमें दलित एक राशन कार्ड मांगते हुए सुंदर लगता है, और दलित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चंद्रभान प्रसाद जी, जो सेक्टर है यहाँ, जिस तरह का सिस्टम है और जिस तरह का कास्टिज्म है सिस्टम में, बैंक से लोन नहीं मिलता है आपको, पॉलिटिकल सिस्टम सपोर्ट नहीं करता आपको, वहाँ अडानी अंबानी 5 रुपए की कंपनी को 50 करोड़ 1000 करोड़ का लोन मिलता है,
उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए अभी ये जो आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसमें तमाम लोगों के पास BMW और मर्सिडीज और ऑडी कार हैं, ये अपने आप बने हैं लोग, तो अगर ये बन सकते हैं तो और भी लोग बन सकते हैं। सरकार से कुछ हमें चाहिए सुविधाएं, बैंकिंग रिफॉर्म, टेंडर रिफॉर्म और बैंक इंटरेस्ट में रिफॉर्म हो तो ये दलित अपनी ताकत से अरबपति। सर जिस देश में SC ST का बजट कहीं और लगा दिया जाता है, सड़कों पर, खेल के मैदान में और तमाम प्रोग्राम में, इवेंट मैनेजमेंट में खर्च कर दिया जाता है, सोशली कितना अवेयर हुआ है बहुजन समाज और बिजनेस की तरफ कैसे देख रहा है? देखिए अभी तो हर दलित परिवार पेरेंट अपने बच्चे को IAS बनाना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है। ये बड़ा इशू है, आरक्षण वाला मामला से आगे बढ़ नहीं रहा। हाँ, कितने ऐसे दलित परिवार हैं जो ये कहते हैं मेरा बच्चा अरबपति बनेगा। हमें ऐसा सोचना पड़ेगा, हमें ऐसा सोचना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं सब ऐसे सोच रहे हैं, इसमें से किसी का भी बच्चा सरकारी नौकरी की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यही असली अंबेडकर वादी हैं जो मनु धर्मा का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि मनु धर्मा में दलित को वेल्थ बनाना मना था। चंद्रभान प्रसाद जी, आपने दलित इंटरप्राइजेस किया है, हमारा मीडिया चैनल्स भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो उसके क्या इनिशिएट किया जाए? दलित मीडिया, बहुजन मीडिया होना बहुत जरूरी है और वो तभी हो पाएगा जब इस समाज में अरबपति पैदा होंगे। कि आपको हाथ में जाके 1 करोड़ दे दें, 50 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, आप भी BMW में बैठ के चलेंगे जब तो रिपोर्टिंग करने, तो लोग बहुत शौक से अपनी कहानी बताएंगे। तो ये हमें लाना होगा, ये प्रोफेशनलिज्म। क्या करना चाहिए, मैसेज क्या देंगे खासकर युवाओं को? नौकरी ऐसे भी खत्म कर दी है इस सरकार ने, रिजर्वेशन लगभग खत्म है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आने के लिए क्या इनिशिएट करना चाहेंगे? रिस्क तो बड़ा है, खतरे बहुत हैं। अभी इन लोगों की कहानी पढ़ें, दलित इंटरप्राइज पढ़ें, कि अगर ये जीरो से हीरो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं बगैर किसी की मदद के, और मदद मिलेगी तो हम अरबपति बना के दिखा सकते हैं। शुक्रिया। टाइम सेशन शुरू होने वाला है, दलित इंटरप्राइजेस है, अगर आप मैगजीन खरीदते हैं, मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, अगर बहुजन समाज के खासकर बारे में, तो इस मैगजीन को जरूर खरीदिए, इसको पढ़िए। और मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे पता था कि मैगजीन हाथ हो रही है, आज प्रोग्राम है, 1 साल पूरे हुए हैं और कुछ और भी बातें करेंगे, लेकिन सेशन समाप्त होने वाला है। हाँ, वो बात करेंगे सर, तो बात करेंगे। और ये देखिए पूरा सीरीज आई है, जो 12 साल का पूरा संकलन है वो आया है, मोन्टिक सिंह अहलुवालिया आए हैं, और चूँकि सेशन शुरू होने वाला है तो मैं और ज़्यादा टाइम किल नहीं करना चाह रहा हूँ इन लोगों का। इन तमाम चेहरों को पहचान लीजिए जिन्होंने अपनी मेहनत से नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम सपोर्ट नहीं करा उसके बाद भी लोग कोशिश है, इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इस पहल को आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से। सर एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, कि क्या लगता है कितने हमारे लोग अब तक बहुजन समाज के लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में आए हैं, क्या डेटा है DK के पास? देखिए अभी लेटेस्ट तो ये भी है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनके CEO जो हैं तो वो तो अपने ही आदमी है, ठीक है। दूसरा अभी ये जो अभी लॉन्च हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? क्या नाम है उनका? He belongs to schedule cast. Yes, yes. Oh, it's a great news for me also. एक मिनट मैं बताता हूँ सर, चंद्रमान सर को बताता हूँ। नहीं मेरे को भी मालूम है सर, आशीष चौहान he's from SC category. Oh, it's great. और दूसरा अभी जो ये लॉन्चिंग है ये 12 महीने का है और इसमें हर मैगजीन में लगभग 15 दलित एंटरप्रेन्योर का इंट्रोड्यूस किया गया है, लगभग 180 लोग हैं जिसमें कि ये 150 लोगों पे लॉन्च किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बोल दीजिए ना सर, यही बोल दीजिए। मैं डॉक्टर आनंद सरोठी हूँ, तुमसे लखनऊ से बात हुई थी। चलिए तो शुक्रिया। अच्छा मुझे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, चलिए देखिए मिलना चाह रहे हैं। ये देखिए यहीं से पहला इशू का है, ये मेरे ऊपर ही था। हाँ, ये 12 जो आपने एडिशन निकाले हैं उसका संकलन है ये। यस, तो ये संकलन है, और अगर आप बिजनेस सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस मैगजीन को जरूर खरीदिए। देखिए ये मैगजीन दिखा रहा हूँ आपको, दलित इंटरप्राइजेज है और बहुजन समाज के लोग कैसे आ रहे हैं वो दिखा रहा हूँ, कुछ तस्वीरें दिखा दे रहा हूँ लोगों से। राजकुमार जी, कारवा कितना आगे बढ़ रहा है और क्या करने की जरूरत है? कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जो सिस्टम है ना वो सपोर्ट नहीं करता। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों के पास यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी भी होती है। लोग तो कहते हैं कि साहब मुद्रा लोन मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन इवन हमारे पास जब कोलेटरल सिक्योरिटी देने को होता है तब भी हमें लोन नहीं मिलता, मतलब विदाउट पॉलिटिकल कोलेटरल सिक्योरिटी जिसको गिरवी रखता है बैंक, वो हमारे पास होती है तब भी हमें लोन नहीं मिलता, क्योंकि लोन दिलाने वाले लोग वो नॉन दलित होते हैं, और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो
हमारा लोन नहीं करा पाते। चलिए, भारत का सारा बिजनेस लोन सिस्टम पर है और उनके करोड़ों अरबों रुपए माफ कर जाते हैं। और भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सेशन सुनने वाला है। बताइए, मुझे भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, बड़ी समस्या होगी लोगों को। कोई समस्या नहीं है सर, काम चाहिए लोगों को, मुझों से किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। चलिए, तो ऐसे बदल रहा है बहुजन समाज, क्या करते हैं साहब? मैं सोलर रूफटॉप पे काम करता हूँ, सोलर प्रोजेक्ट्स लगाता हूँ। दिल्ली के अंदर हमारा सेटअप है, मोस्टली हम दिल्ली में काम करते हैं और हरियाणा में काम करते हैं। चलिए, तो एक मीटिंग हो रही है बिजनेस क्लास की और महिलाएं भी बहुत संख्या में, तो उनसे भी बात करना चाहूँगा। और कॉर्पोरेट में बहुत महिलाएं आ रही है, क्या क्या मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर जयंती चौधरी है। आप क्या करती हैं? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, आप तो डॉक्टर है, बिजनेस वुमन कौन है? अच्छा, यू हैव योर ओन हॉस्पिटल? चेन ओन हॉस्पिटल, यस आई हैव थ्री हॉस्पिटल इन फैजाबाद, चिन्मय सर्जिकल सेंटर, चितवन सर्जिकल सेंटर एंड देन चिरंजीव हॉस्पिटल, एंड अलॉन्ग विद हॉस्पिटल आई हैव अ नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो। तो देखिए, कुल जमा ये है कि लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, उसके बाद भी कोशिश इनिशिएट कर रहे हैं, प्रोग्राम शुरू होने वाला है और मैं इसको ख़त्म करूंगा और ये दिखा रहा हूँ, आगे भी लोगों से बात करेंगे। तो ये बिजनेस क्लास जो है, बहुजन समाज के जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी बैठक हो रही है मैगजीन को लेकर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। बहुजन बिजनेसमैनों का एक दिनों का सेमिनार हुआ है दलित इंटरप्राइजेस के नाम से, और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब लगभग वो सेशन खत्म हो गया है, सेकेंड सेशन था, लोग निकलने लगे हैं और लोगों से बात भी करूंगा, उनसे बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। क्या करते हैं? आरजीत इंजीनियर इंडस्ट्रीज से। अच्छा अच्छा, मैं स्टील प्लांट के लिए मशीनरीज प्रोवाइड कराता हूँ। स्टील प्लांट के, शुक्रिया। तो जो नए बिजनेसमैन है वो उन लोगों से बात कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हाँ सर, मैं सुरेंद्र सिंह, नोएडा में मेरा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड में हूँ और तकरीबन मैंने अभी तक बड़ी से बड़ी जो डील की है वो 50 करोड़ रुपए आसपास की ब्रोकरेज। कितने अपने लोग बिजनेस में आ रहे हैं? हमारे लोग बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत कम है, 0.1% 0.2% है टोटल आबादी का। नई जनरेशन अभी समझ नहीं पा रही है क्योंकि रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, फिर भी लोगों को ये लग रहा है कि भाई नहीं, नौकरी जो सेफ है और हमें नौकरियों में ही जाना चाहिए, बिजनेस तो बहुत टफ है, रिक्सी है और वहाँ तो हमारे लोग है ही नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो लोगों की ऐसी सोच है, इस वजह से बहुत शुक्रिया। तो कुछ लोग आ रहे हैं, मैं 2 दिनों से प्रोग्राम कवर कर रहा हूँ और ये लोग बात करने लगे हैं, और राजकुमार जी हैं और दिल्ली के बिजनेसमैन हैं। सर, कैसा रहा पूरा दिन का सेमिनार? बहुत अच्छा सेमिनार था और बहुत अच्छी पहल है चंद्रकांत प्रसाद जी की, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ से। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है, क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर वैकेंट है, ज़रूरत है कि अपने लोग आए और इसमें आए बगैर काम नहीं चलने वाला है, और आप इस पर फोकस भी करते हैं। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इकोनॉमी से ही शुरू किया था, अर्थशास्त्र से ही अपना जीवन शुरू किया था। सबसे पहली पढ़ाई, सबसे पहली डिग्री उन्होंने जो हायर डिग्री ली थी वो अर्थशास्त्र से ली थी। तो हम लोगों को बिजनेस की तरफ, इकोनॉमी की तरफ, इस सब की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैंने सुना मंच पर आप अकेले थे जिन्होंने जय भीम बोला। मैं मरते दम तक हीराम नहीं बोलूंगा, जय भीम ही बोलूंगा सर, जिस दिन मरूंगा उस दिन। अच्छा, एक सीरियस सवाल, सिस्टम का बहाना कब तक करेंगे? जैसे आप लोग सिस्टम से लड़ के आए हैं, मतलब लोगों को आना पड़ेगा, फाइनली यही सोल्यूशन, यू हैव टू कम, हैव टू कम, सिस्टम सपोर्ट करे या ना करे हमें आगे बढ़ना ही होगा। तकलीफें होंगी? तकलीफें तो डेली रहे, डे बाई डे तकलीफें बदल रही हैं लेकिन कम नहीं हो रही हैं। तकलीफों की, जैसा कि बताया उन्होंने, कि तकलीफों के प्रकार चेंज हो रहे हैं। 20 साल पहले जो तकलीफें थी कुछ और थी, उसके बाद कुछ और थी, उसके बाद कुछ और है, लेकिन हमारी तकलीफों के मतलब चेंज हो रही हैं तकलीफें, लेकिन खत्म नहीं हो रही। पॉलिटिकल लीडरशिप में बदलाव की भी जरूरत है, पॉलिटिक्स सत्ता में भी नहीं है हमारे नेता, तो आप चूंकि पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका करती है बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है। देखिए, पॉलिटिकल जो सपोर्ट करता है वो हमारे जो लीडर्स हैं उन लोगों को आज तक बेसिकली लैडर की तरह यूज़ करा गया है, ना कि लीडर की तरह। लीडरशिप डेवलपमेंट जो हमारे लीडर्स के अंदर है वो उसकी बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की योजनाएं जो बनाई जाती हैं, सरकारी योजनाएं, उनको बनाकर धरातल पे लाने के लिए हमारे लीडर्स को
सदन के अंदर और उनको मॉनिटरिंग करने की बहुत जरूरत है जो कि नहीं हो पाती है। राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल, कोशिश तो हो रही है, शुरुआत तेजी से तेजी लाने की जरूरत है या रफ्तार से आप खुश हैं? रफ्तार बहुत कम है मुझे लग रहा है। रफ्तार कम है और टाटा जैसी कंपनियों के जो विचार है, बाकी अगर सारी कंपनियां करें तो रफ्तार को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, कुछ यंगस्टर भी हैं और वो सेल्फी ले रहे हैं, आप लोग बात करना चाहेंगी? मैं नेशनल दस्तक से शंभू हूँ। क्या नाम है आपका? अभिषेक। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? या एमएस स्टडीज। आगे क्या करना है? आगे अमेरिका जाना है, आगे पढ़ाई करनी है, फिर अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। मतलब आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना है जी। तो घर में बिजनेस का माहौल है या? जो चंदन जी के बारे में बात हो रही थी, मेरे पापा है। कौन? चंदन जी। अच्छा, मिस्टर चंदन जी आपके फादर है। ओके ओके ओके। और आप क्या करती हैं? मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में सिस्टर इंचार्ज हूँ। ओके, अच्छा। मिस्टर चंदन मेरे हस्बैंड हैं। ओके ग्रेट। तो बिजनेस सेक्टर से लोग हैं और जब तक आपके बैकग्राउंड बहुत डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे और कोशिश हो रही है कि बहुजन समाज के लोग जो है वो बिजनेस में आए और उसी की कोशिश हो रही, उसी को लेकर सेमिनार था और ये दिखाया मैंने आपको। तो बदलाव की प्रक्रिया से समाज गुजर रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ किसी भी सदी जो होगी वो डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।